पश्चिमी यूपी में एक वकील के सुसाइड का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। बीजेपी विधायक पर उत्पीड़न का आरोप लगा था और जिसके बाद से वकील आरोपी विधायक की गिरफ्तारी की लगातार मांग पर अड़े हुए हैं और वकीलों का आक्रोश शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। मेरठ में वकील ओमकार सिंह तोमर के सुसाइड करने का मामला अब काफी जोर पकड़ता जा रहा है। बीजेपी विधायक के खिलाफ कार्रवाई न होने से आक्रोशित वकील अब सड़कों पर उतर चुके हैं। वकीलों का आंदोलन तेज होता जा रहा है। प्रदर्शन में अब 22 जिलों के वकील शामिल हो चुके हैं। मेरठ में वकीलों ने कलेक्ट्रेट के गेट में ताला डाल दिया। मुख्य गेट बंद करके फरियादियों को अंदर आने से भी रोका गया। आक्रोशित वकीलों की मांग है कि जब तक बीजेपी विधायक दिनेश खट्टी की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक वो अपनी हड़ताल वापस नहीं लेंगे। अब आपको बताते हैं कि मेरठ में वकील के सुसाइड का पूरा मामला क्या है। 13 फरवरी को वकील ने सुसाइड किया था। ओमकार सिंह तोमर ने आत्महत्या की थी। बीजेपी विधायक पर उत्पीड़न का आरोप लगाया था। वकील के बेटे और उसकी पत्नी में विवाद था। समझौता करा रहे थे विधायक दिनेश खटीक। दिनेश खटीक समेत 14 लोगों पर केस दर्ज हुआ। आक्रोशित वकील गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। विधायक की गिरफ्तारी को लेकर हड़ताल शुरू हो गई। वकीलों का प्रदर्शन बढ़ता देख पुलिस ने बीजेपी विधायक दिनेश खटीक समेत 14 लोगों पर केस तो दर्ज कर लिया, लेकिन वकील इतने से शांत होते दिखाई नहीं पड़ रहे। वकीलों की मांग है कि ओमकार सिंह तोमर को प्रताड़ित करने वाले बीजेपी विधायक दिनेश खटीक की गिरफ्तारी हो और जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक वकीलों का प्रदर्शन जारी रहेगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 22 जिलों में आज वकीलों की हड़ताल है। वजह है ओमकार सिंह तोमर का सुसाइड केस, जिसमें गिरफ्तारी की मांग को लेकर वकील अड़े हुए हैं और सारे वकील आक्रोशित है केवल इस वजह से कि जो बीजेपी के विधायक है दिनेश खटीक, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। और ये बताइए वकील साहब कि आपकी मुख्य मांग क्या है। मुख्य मांग हमारी ये है, जो हमारे भाई ने सुसाइड किया है, सुसाइड नोट में साफ साफ 14 आदमियों के नाम लिखे गए थे, जो उनका खुद का लिखा हुआ था। पुलिस प्रशासन ने कोई गिरफ्तार नहीं किया। एक विधायक है दिनेश खटीक, सत्ता का विधायक है, सत्ता की बगल में बैठा है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है, घर पे है, पुलिस प्रशासन गिरफ्तार नहीं कर रहा। हमारी मांग है कि जब तक की विधायक की गिरफ्तारी नहीं होगी हम जो है अपनी स्ट्राइक वापस नहीं लेंगे। हम प्रशासन से पूछना चाहते हैं, जब शपथ दिलाई जाती है पुलिस अधिकारी को आईपीएस को, तो उससे कहा जाता है कि निष्ठा से, कर्म से और सही जांच करी जाएगी। आज आज कहाँ है, आज वो शपथ कहाँ चली गई? वो आज विधायक और गवर्नमेंट के अंडर बेच दी गई है शासन ने। जो आरोप हैं वो सीधे पुलिस के ऊपर हैं और वकीलों की मांग है कि खास करके जो तो दिनेश खटीक हैं बीजेपी के विधायक, जिन्होंने ओमकार सिंह तोमर को प्रताड़ित किया, एक पंचायत में उनके ऊपर दंड लगाया, एक कार और कई लाख रुपए का, जिसके बाद उन्होंने तनाव में आकर सुसाइड कर लिया। सुसाइड नोट में दिनेश खटीक का नाम भी है और आज उन्हीं की गिरफ्तारी के लिए वकील लगातार आंदोलन कर रहे हैं। कैमरा सहयोगी सानू के साथ में नरेंद्र, भारत समाचार। और वही यूपी पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण की सूची जारी कर दी गई है, लेकिन फाइनल सूची